पता है जब मैं कॉलेज में था तो हमेशा सोचता था कि एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो एग्जैक्टली काम क्या करता है, ये मेरे दिमाग में सवाल घूमता रहता था। अब मजे की बात ये है कि आई एम इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में आप लोग काम क्या करेंगे अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, और कंपनी एक्चुअली सोचती क्या है जब वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करती है, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को बताऊँ कि क्या काम किया जाता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा किसी भी एक कंपनी में। तो किसी भी एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनुअल वर्क करता है। आप लोगों को मैनुअल वर्क, व्हाट डज दैट मीन? दो तरह के काम है, एक तो ऑटोमेटेड चीज़ें होती हैं जो कि ऑटोमेट कर दी जाती हैं, वो काम तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है। एक होता है मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क का मतलब वो चीज़ जो कि मशीन नहीं कर सकती। अब ये काम ऑटोमेटिक टास्क को मैनेज करना हो सकता है कि कौन सा टास्क कब रन करेगा, आप एक लिनक्स मशीन के अंदर हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली किस चीज़ की कोडिंग होती है इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, बट उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और बातें बता दूँ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किन किन चीज़ों में टाइम स्पेंड करता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारी कॉफ़ी पीता है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लंच भी करता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम्यूट भी करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपका ऑफिस थोड़ा दूर है वहाँ पर भी जाता है। तो दिन के जो घंटे हैं, अगर आपकी 9 घंटे की जॉब है तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो 9 घंटे की जॉब है आपकी इसमें आप बैठकर कंप्यूटर पर कोड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप ब्रेक्स भी लेंगे, आप लंच ब्रेक भी लेंगे, आप चाय ब्रेक्स भी लेंगे, आप लोग कॉफ़ी ब्रेक्स भी लेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। एक घंटे का लंच होता है, उसमें बहुत सारे लोग रिलैक्स करते हैं, उसको एक से डेढ़ घंटे तक खींच देते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कल्चर। स्टार्टअप में थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है, तो उसकी भी बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ पर ज़रा आप लोगों को कोर प्रोग्रामिंग में बता दूँ कि अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो कोर प्रोग्रामिंग में आप लोग क्या करेंगे। तो प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होंगे। अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप लोग ने जस्ट ज्वाइन किया कंपनी में, तो हो सकता है आपको कोई लर्निंग टास्क दिया जाए, हो सकता है आपको ट्रेनिंग के तौर पर कुछ चीज़ें करवाई जाए। बट जहाँ पर बात आती है एक पर्टिकुलर टास्क को करने की, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करने की, होता क्या है कि आप एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग गोल पर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है एक C++ प्रोग्राम लिखना जो कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करे। अब अगर आप लोग काम कर रहे हैं लेट अस से एक फाइनेंस कंपनी में, जिसमें कि आप लोग को बेबी को मशीन लर्निंग किसी डेटा पर लगानी पड़ जाए और कुछ फोरकास्टिंग करनी पड़ जाए, तो आपको वो पर्टिकुलर टास्क दिया जा सकता है। अब आप लोग अगर एक मशीन लर्निंग इंजीनियर है तो आप लोग को मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई काम दिया जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर इन एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर इन। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल में काम कर रहे हैं तो आप इनके जो कोर प्रोडक्ट्स हैं उन पर ही काम करेंगे। हो सकता है आप किसी साइड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, सकता है आप किसी इंटरनल साइट पर काम कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर इन। जो भी हो, जैसा भी हो, एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग गोल को आप लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं या फिर कोई भी एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर का इस्तेमाल करता है, एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, मैं उस वेबसाइट को तोड़ूंगा, डिवाइड करूंगा मल्टीपल सेक्शंस में, कहूँगा यार डिज़ाइनिंग एक बंदा देखेगा, मैं एक डिज़ाइनिंग टीम को दे दूंगा, फिर API डेवलपमेंट मैं किसी एक सब टीम को दे दूंगा, फिर मेरे पास लेट अस से कुछ कोर जावास्क्रिप्ट है, अगर मैं रिएक्ट या एंगुलर में लिख रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर काम मैं किसी और को दे दूंगा। ये डिज़ाइनिंग अलग है और ये जो रिएक्ट एंगुलर में मैंने काम दिया, जो फ्रंट एंड का काम है वो अलग है, क्योंकि डिज़ाइनिंग टीम जो है HTML CSS टेम्पलेट मुझे देगी और ये जो टीम है ये क्लाइंट साइड पर फंक्शनैलिटी देखेगी। तो फ्रंट एंड पर क्लाइंट साइड फंक्शनैलिटी एक टीम देखेगी, API एक टीम देखेगी, उसी के साथ साथ एक टीम क्या करेगी जो कि प्रोडक्ट ओनिंग टीम होगी, वो बेसिकली इन सारे के सारे सब टास्क को एक जगह पर कलेक्ट करके प्रोडक्ट को ओन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। यूजुअली होता क्या है कि जो सीरियस चीज़ें होती हैं वो एक्सपीरियंस लोगों को दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, उसकी कुछ इंटरनल ऐप्स हैं, कुछ उसकी कस्टमर फेसिंग ऐप्स हैं, तो जो कस्टमर फेसिंग ऐप्स होंगी, फॉर एग्जांपल अगर हम जोमैटो की बात करें, तो जोमैटो में जो APK को पुश करेगा प्ले स्टोर पर, वो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, क्योंकि अगर एक गलत APK पुश हो गई तो इतने सारे यूज़र्स खाना ऑर्डर नहीं कर पाएंगे और कंपनी को बहुत सारे लॉसेज हो जाएंगे। तो ये जो सीरियस काम है ये एक रिस्पॉन्सिबल बंदे के अंडर में होंगे, ये किसी रिस्पॉन्सिबल इंसान के सुपरविजन के बाद और बहुत सारे लोगों के रिव्यू के बाद होगा कि एक APK को अगर प्रोडक्शन में पुश किया जा रहा है तो वो APK एक्चुअल में वर्किंग होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रायोरिटी पे डिपेंड करती हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम होना है तो उसकी प्रायोरिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी,
और वो किसी जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या किसी इंटर्न को या फिर किसी ऐसे इंसान को जिसको 1 साल से कम एक्सपीरियंस है उसको यूजुअली नहीं दिए जाएंगे, नो मैटर हाउ गुड यू आर, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट्स, ये लोग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं एंड डेफिनेटली इट मेक्स सेंस एज वेल। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं, यार टीम की क्या हायरार्की रहती है, कौन सी टीम कहाँ पर काम करती है? तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यार देखो, सबसे पहले तो अगर आप एक स्टार्टअप इन्वायरमेंट में है तो हो सकता है कि टीम का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल ही ना हो, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, एक ही इंसान मैंने देखा डेवलपमेंट भी कर रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है, और थोड़ा कैपिटल कम होने की वजह से उन लोगों में थोड़ी सी हड़बड़ी होती है अगर उनके पास बहुत सारी फंडिंग नहीं है। अगर वो एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, बहुत ही इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें कुछ भी हो जाता है। कोई ऐसी कोई प्री डिफाइंड हायरार्की नहीं है कि यार एक प्रोडक्ट मैनेजर ही होगा, उसके अंडर कुछ डेवलपर्स काम करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि लेट अस से 20-25 साल से ऑपरेट कर रही हैं, उन्होंने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बना के रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है जो कि इस प्रोडक्ट को ओन करता है। अब क्योंकि ये बंदा इस प्रोडक्ट को ओन कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी होती है इस प्रोडक्ट को असेंबल करने की, डिज़ाइनर क्या कर रहा है और आपकी API वाले क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड वाले क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एक जगह एकत्रित करके डिस्ट्रीब्यूशन टीम को देना, ये इनका काम होता है। इसके बाद डिज़ाइनिंग की एक टीम होगी और उसी के साथ साथ फ्रंट एंड की एक टीम होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया API की एक टीम होगी। अब इन टीम्स के विद इन ही क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं आपको एक बहुत ही हाई लेवल आइडिया दे रहा हूँ, हर कंपनी का अपना अपना हिसाब होता है, हर कंपनी अपने तरीके से काम को करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर हायरार्की है सब जगह फिट हो जाए। अब जब भी कंपनी इस तरह के काम कराती है तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होगा क्या कि एक पर्टिकुलर सब टास्क के लिए एक मैनेजर होगा जो डेवलपर्स के कॉन्टैक्ट में रहेगा, वो इंसान जिम्मेदारी लेगा उन डेवलपर्स के काम को रिव्यू करने की और ये चीज को देखने की कि यार ये डेवलपर्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये इंसान जो होगा ये अपने प्रोडक्ट मैनेजर को या फिर अगर एक पर्टिकुलर टीम है, फॉर एग्जांपल डिजाइन टीम है, उसके मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और ये सारे जो मैनेजर्स हैं ये प्रोडक्ट ओनर को रिपोर्ट करेंगे एंड फाइनली प्रोडक्ट असेंबल होकर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके बाद मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोग लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग कंपनीज में अलग अलग होती हैं। तो आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो काम रहेगा वो कोडिंग का ही रहेगा, आपको कोडिंग करवाई जाएगी, आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे और आपको किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको उस इंसान को ये बताना होगा कि आपने क्या किया, क्या आपने जो वो आपसे मांग रहा था वो चीज़ किया कि नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो वो आपको बताएगा कि क्या चेंजेस आपको करने हैं एंड यू हैव टू कीप ऑन मेकिंग दोज चेंजेस जब तक वो बंदा सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो कुल मिलाकर इन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज़ यही चीज़ होती है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मिलाकर ये करता है, एक मैनेजर को रिपोर्ट करता है और उस मैनेजर को अपने काम का हिसाब देता है। यानी कि अगर मुझे PHP में एक वेबसाइट बनानी है जो कि फॉर्म डेटा को एक्सेप्ट करके एक पर्टिकुलर API में उस डेटा को ऑफलोड कर दे, अगर मुझे इस तरह की कोई PHP वेबसाइट बनानी है तो मैं उस वेबसाइट को बनाऊंगा, मेरा मैनेजर उसको रिव्यू करेगा, अगर वो अच्छे से चलती है तो वो मुझे कोई दूसरा टास्क असाइन करेगा और अगर अच्छे से नहीं चलती है तो डेफिनेटली वो मुझसे चेंजेस रिक्वेस्ट करेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार स्टार्टअप में आप लोग क्या करेंगे और MNC में आप लोग क्या करेंगे, क्या कोई डिफरेंस होगा? तो यार देखो, अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा, कुल मिलाकर बात इसी में समराइज़ होकर आएगी कि आप एक मैनेजर को अपने कोड लिखने का हिसाब दे रहे होंगे, आप कुछ कोड लिखेंगे और आप उस इंसान को हिसाब देंगे और वो इंसान आपसे चेंजेस रिक्वेस्ट करेगा या फिर आपको कोई दूसरा टास्क असाइन करेगा। अब कुल मिलाकर क्या होता है, मैंने ये देखा है कि जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ होती हैं, जो एस्टैब्लिश्ड MNCs होती हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है और वहाँ पर होता क्या है कि आप लोग जब काम करते हैं तब आप लोगों को काफ़ी खाली टाइम मिल जाता है, आपने एक अपना टास्क डिलीवर कर दिया। तो स्टार्टअप में क्या रहता है, थोड़ा सा रश रहता है क्योंकि उनके पास कैपिटल की कमी होती है और उनको जल्दी से जल्दी अगले राउंड में फंडिंग राउंड में जाना होता है और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है, लोग कम होते हैं, लोगों के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है तो प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है। उसी के साथ साथ MNCs में क्या होता है कि अगर मान लो मुझे लेट अस से मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ और मुझे कंटेंट में प्लैगरिज्म चेक करना है, तो अगर आप स्टार्टअप में हैं तो डेफिनेटली आप लोग कोई महंगे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट अगर आप लोग MNC में हैं तो वो तो हर तरह की आउटसोर्सिंग करते हैं यार, हर चीज़ को खरीद लेते हैं, या स्टैक ओवरफ्लो भी अपना अगर कोई पेड वर्जन निकालेगा वो कहेंगे यार हम स्टैक ओवरफ्लो को खरीद रहे हैं, Office 365 उनके पास होता है, हर तरह का सॉफ्टवेयर का वो लाइसेंस लेकर खरीद के रखते हैं ताकि उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको आसानी हो उनका काम करने में। तो उनकी सोच कुछ इस तरह की होती है कि यार अब क्योंकि उन्होंने इतना सारा पैसा कमा लिया, जिस कंपनी के पास 18,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उसके लिए Office 365 का
5,000 रुपीज़ पर ईयर का लाइसेंस कुछ भी नहीं है। वो तो ये देखते हैं कि यार मेरा एम्प्लॉई अगर थोड़ा भी काम कर देगा तो 5,000 रुपये तो ऐसे ही निकल जाने हैं, और वो 5,000 रुपये पर ईयर पे नहीं करते हैं, वो एक्चुअली पे करते हैं एक थोड़ा सा कम अमाउंट पर एम्प्लॉई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए खरीदते हैं इस चीज़ को, तो उनको बहुत सस्ते में पड़ जाती है ये सारी चीज़। अब एक और चीज़ जो लोग बताते हैं कि यार हम कभी भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यूज़ नहीं करेंगे कंपनीज़ के अंदर, तो मेरे हिसाब से मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ यार, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों ने फैला रखी है ना कि ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तुमको बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, तुम करोगे एक्चुअल में डेवलपमेंट, ये सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस के लिए है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यार आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो कहूँगा जब आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करते हैं, कंपनी को डिलीवर करते हैं और अपने प्रोडक्ट का हिस्सा अगर आपने थोड़ा सा भी लिखा है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कोड का, आप जब उसको यूज़ होता हुआ देखेंगे, अगर आप facebook.com वेबसाइट पर जाएं, आपने लेटेस्ट से उसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाया है, वो आप थे एम्प्लॉई जिसने वो कंपोनेंट बनाया, तो आप उसको जब देखेंगे कि यार दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो आपको ये मालूम चलेगा कि उसको हाईली ऑप्टिमाइज करने का कितना ज़्यादा महत्व है। और वो महत्व आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे कि यार इतने सारे स्केल में यूज़र्स आ रहे हैं, अगर आपकी API जो API आपकी एक सेकंड ले रही थी, उसका 0.2 मिलीसेकंड लेने पर सर्वर में कितनी ज़्यादा बैंडविड्थ बचेगी, उसी के साथ साथ आपके हार्डवेयर पर जो लोड पड़ रहा था वो कितना कम हो जाएगा यार, क्योंकि बिलियंस ऑफ यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं फेसबुक को। तो जब आप स्केलेबल इन्वायरमेंट में होते हैं, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर रहे हैं जो कि शायद दिन के 1,000 यूज़र्स भी ठीक से हैंडल नहीं करती है, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा समझ में नहीं आएगा। बट जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्केल में यूज़र्स होते हैं, कोई काम बहुत बड़े स्केल पर होता है, तो वहाँ पर आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को कि यार डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं। कुछ लोग अननोइंगली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रियल मीनिंग आपको समझ में आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ यूज़र्स से अपने इस छोटे से टाइम को, और उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि हाँ यार अगर मैं थोड़े से भी मिली सेकंड से अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बना लूँ तब कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रही है। तो वो चीज़ आपको एक अच्छी कंपनी में एक बड़े स्केल के प्रोजेक्ट पर काम करने पर ही मिलेगी। आप अगर किसी छोटे स्टार्टअप में, तो शायद आपको ये बात फील हो कि यार मैं तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज़ ही नहीं करूँगा। और हाँ यार कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर यूज़ ही नहीं होता है। अगर आप लोग एंड्रॉयड डिज़ाइनर बन गए तो वहाँ पर आप सिंपल सा XML या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर तो आपका कोई लॉजिक से लेना देना है ही नहीं। अब अगर आप लोग लेटेस्ट से वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहे हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में क्या होगा कि आप HTML लिखोगे, CSS लिखोगे, तो वहाँ पर आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का यूज़ होना ना के बराबर होता है, मैं तो कहूँगा जीरो होता है। ठीक है, अगर आप जावास्क्रिप्ट लिखो थोड़ी बहुत तो शायद हो जाए, बट अगेन जावास्क्रिप्ट के भी सिंपल सिंपल लॉजिक्स हैं, उसमें उतना ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज़ होना ही होना है, बट अगर आप लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि स्केलेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस देता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स, तो मैं कहूँगा हाँ यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगा आपको, और उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब होता क्या है कि हर कंपनी में अच्छे कोडर्स भी होते हैं, बुरे कोडर्स भी होते हैं। जो बुरे कोडर्स होते हैं वो कोड बस दे जस्ट गेट द जॉब डन कि यार बस काम हो जाए, चल रहा है मेरा कोड, दैट्स फाइन। उसमें उनके कॉमेंट्स होते हैं, उसमें उनका जो है सारा का सारा नाम लिखा होता है, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा रहता है उनके कोड में, फिर उसके बाद उनका कोड बेस होता है, उसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब पड़ा हुआ होता है, यानी कि उनके कंप्यूटर में जहाँ पर उन्होंने कोड लिखा होता है वो सारी की सारी फाइल्स डाल देते हैं गिटहब पे। वो चीज़ भी होती है, ठीक है, इस तरह के लोग भी होते हैं, और इस तरह के लोग को फटका लगाना पड़ता है मैनेजर्स को, और इस तरह के लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो सफ़र करते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं इतना सारा मैसी कोड पड़ा हुआ है। और अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ से तो मुझे ज़रूर बताना यार। लेटर से चार अच्छे लोगों ने बहुत ही ऑर्गेनाइज कोड लिखा, एक पांचवा इंसान आता है उसमें कुछ भी डाल रहा है कोड बेस में, .vs code फोल्डर डाल रहा है, .idea फोल्डर डाल रहा है, .editor config डाल रहा है, .dsstore डाल रहा है जो कि आपके मैकबुक में बन जाती है फाइल, तो यार आपको अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं इतना क्लीन रख रहा हूँ कोड को और ये कोई चौथा इंसान आकर जो है कोड की पूरी हाइजीन ख़राब कर दे रहा है। अब यहाँ पर बात मैंने क्योंकि गिटहब की करी है, गिट की बात करी है, तो आप किसी ना किसी तरह का गिट ज़रूर इस्तेमाल करेंगे अगर आप लोग कोड बेस के साथ डील कर रहे हैं। गिट एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, यानी कि अगर मैंने कोई चेंज किया तो पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा वाला चेंज किया कोड बेस में। अगर किसी तीसरे इंसान ने उसी टाइम पर चेंज किया तो वो भी पुश कर सकता है और मैं उसके चेंजेस को अपने कंप्यूटर में ला सकता हूँ। इससे कोलैबोरेटिव कोडिंग बहुत आसान हो जाती है और कंपनीज 90% इसको इस्तेमाल करती ही करती हैं। अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप 90
95% इसको इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। हाँ, कुछ जगह होता है कि कुछ कंपनीज ने अपने इंटरनल इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं जहाँ पर वो कोडिंग करते हैं, और ये जो वर्जन कंट्रोलिंग वाली चीज़ है वो इंटरनली हैंडल हो जाती है, बट इन 90-95% ऑफ द केसेस गिट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार गिट एंड गिटहब आप ज़रूर सीखें, क्योंकि अगर आज नहीं सीखेंगे, कॉलेज में नहीं सीखेंगे, स्कूल में नहीं सीखेंगे, तो आप डेफिनेटली जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो ज़रूर आप लोगों को सीखना ही पड़ेगी, आपका गुजारा ही नहीं होगा। आपको गिट के बेसिक कमांड सीखने पड़ेंगे, आपको ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कैसे गिट इग्नोर काम कर रहा है, और आपका किस तरह से एक पर्टिकुलर फाइल को आप स्टेज कर सकते हैं और उसके बाद कमिट में डाल सकते हैं, किस तरह से किसी ऑलरेडी पुश्ड फाइल को आप लोग डिलीट कर सकते हैं गिट के अंदर, क्या करना होगा आपको अगर आप कोई फालतू फाइल गिट के अंदर पुश नहीं करना चाहते, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली सीखनी ही पड़ेंगी। तो मोस्टली अगर मैं समराइज करूँ आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब को, तो आप थोड़ी बहुत कॉफ़ी पियोगे, थोड़ा बहुत घूमोगे फिरोगे, और कोडिंग तो करना ही करना है यार, एक मेजर पार्ट आपका जो टाइम का होगा दिन का वो कोडिंग में जाएगा। मैं कहूँगा 5-6 आवर्स, अगर मैं प्रोडक्टिव आवर्स की बात करूँ तो शायद 3-4 घंटे ही, अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। स्टार्टअप में हाँ थोड़ा सा रश होता है, और उसके बाद इवनिंग में शायद आप कम्यूट करो, आप बाइक से आओ, या अगर आपके पास कार है तो आप कार से आओ, और फाइनली आप लोग अपने घर पे जाओ, थोड़ा आराम करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्री टाइम नहीं मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी टाइम मिलता है फ्री, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप सुबह 9 बजे स्टार्ट कर रहे हो, 5 बजे आप छूट जाते हो, और उसके बाद बहुत बड़ा दिन होता है यार, शाम को 10-11 बजे तक आप लोग का टाइम आपका होता है, आप गेम खेलो, इन्जॉय करो, जो भी करना है करो यार, ठीक है। सो आई होप कि मैंने समराइज़ कर दिया इस चीज़ को कि यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली क्या करता है जब वो कंपनी में काम करता है, और ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो वेरी करेंगी कंपनी टू कंपनी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।